नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उत्तमन और मैं हूँ आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि पोस्ट स्केलिंग आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, यानी कि अगर आपने रिसेंटली स्केलिंग कराई है तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने ज़रूरी हैं। तो शुरू करें। अगर आपने रिसेंटली स्केलिंग कराई है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लगेगी, पहली चीज़ वो लगेगी कि आपको दांत खाली, या तो किसी किसी केस में लोगों को लगता है कि उनके दांत टूट गए हैं या झड़ गए हैं। दैट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड जो मेरे पेशेंट्स मुझे बहुत बार बोलते हैं। देखिए, अगर आपके मुंह में टार्टर बहुत ज़्यादा था तो आपकी जो ज़बान है उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है। आपकी ज़बान से आप हर एक दांत को टच कर सकते हो और आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि वो उस दांत की सरफेस है। अब समझिए कि इतने टाइम से टार्टर आपके ज़बान पे बार बार लग रहा था तो आपका ब्रेन प्रोग्राम हो चुका था कि आपके दांत की जो सरफेस है, स्पेशली लोअर एंटीरियर, मतलब सामने के नीचे वाले जो दांत हैं उसकी पीछे वाली सरफेस, अंदरूनी सरफेस जिसको बोलेंगे, वहाँ पे बार बार ज़बान जाती है ऑटोमेटिकली। और पहले आपको इतने टाइम टार्टर होने के बावजूद जो है आपको लगता था कि वहाँ कुछ है नहीं। आपका जब टार्टर वहाँ हट गया तो आपको लगने लगा कि वहाँ की जो है ज़बान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा और आपको लग रहा है कि दांतों के बीच में गैप बन चुका है जो पहले इट वॉज प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय टार्टर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके दांत झड़े नहीं हैं, कुछ नहीं हुआ है। बेसिकली आपके दांत की परत जो है, जो ऊपर की टार्टर की परत थी, वो निकाल दी गई है और अब आपके ब्रेन को वो एक तरीके से टीज कर रही है, क्योंकि ज़बान जब वहाँ जा रही है तो उसको सेम तरीके की वो फीलिंग नहीं आ रही है जिसकी वजह से आपका ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है। दूसरी चीज़ जो होती है आपको जो है एक्सपेक्टेड होती है स्केलिंग के बाद, होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होना बहुत नेचुरल चीज़ है और अगले 72 घंटे तक ब्लीडिंग होना इज़ वेरी कॉमन। तो अगर आपने अभी स्केलिंग कराई है और अगर आप ब्रश करके थूकते हैं, उस थूक के पड़ल में हल्के से स्पिट में थोड़े से ब्लीडिंग स्पॉट्स आते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपके मसूड़ों की जो सफाई की गई है उसके अंदर एक रॉ सरफेस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जो इन्फेक्शन था, जिंजिवाइटिस हो या पायरिया हो, जो भी हो, वो हटाने के बाद आपके मसूड़ों की रॉ सरफेस एक्सपोज हो गई है जिसमें जो है बहुत सारी कैपिलरीज थी, जिसमें सूजन थी। अब उसको हमने खोल दिया है और हो सकता है मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से वहाँ से वो छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपको ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता कब करनी है? जब ब्लीडिंग हो जा रही है और रुक नहीं रही है, देन यू नीड टू कॉल द डेंटिस्ट, उनको बताना है कि हमारी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। अगर ब्लीडिंग रोकने का अगर आपको कोई ऐसा तरीका चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉटन लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला करिए और वहाँ रख लीजिए। दूसरी चीज़, एक और तरीका है, अगर आपके घर में टी बैग्स हैं तो आप टी बैग को वहाँ लगा के रख लीजिए, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको ब्लीडिंग रुक जाएगी। एक और सिम्टम या लक्षण आपको पोस्ट स्केलिंग आएगा, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब बहुत लोग इस चीज़ का जो है नोशन बना लेते हैं कि सेंसिटिविटी तो होएगी, एक बार आपने दांत साफ करवा लिया उसके बाद मुझे सेंसिटिविटी हो जा रही है और डॉक्टर साहब ने मेरे दांत खराब कर दिए। ये बहुत बहुत ही कॉमन फीडबैक मुझे मिलता है, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी सेंसिटिविटी होनी पॉसिबल है स्केलिंग के बाद, क्योंकि जो है आपको जो है वहाँ पे हमने थोड़ा सा मैकेनिकल एब्रेशन किया है, लेकिन आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होनी नहीं चाहिए। और एज़ पर प्रोटोकॉल आपके डेंटिस्ट को जो है आपको डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट थोड़े दिन तक देना ज़रूरी है, ताकि आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा ना हो और अल्टीमेटली वो कम हो जाए। आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करना है स्केलिंग के बाद, वो ये है कि आपको जो है गुनगुने पानी में नमक डाल के अगले 2 से 3 बार गार्गल और रिंस करना है। गार्गल का मतलब हलक में गरारे करने हैं और रिंस का मतलब कुल्ले करने हैं। इससे क्या होता है, जो वार्म सलाइन रिंसेस होते हैं उसमें जो है आपकी एक तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं और आपके मसूड़ों की सूजन थोड़ी कम होगी, हो सकता है आपकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाए। मैं अपने पेशेंट को हर समय ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप सॉल्ट वाटर रिंसेस करिए, उसके बाद आप स्विच ओवर करिए माउथ वॉश पे। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे लगता है मेरे दांत हिलने शुरू हो गए हैं स्केलिंग के बाद। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल विस्तार से। अगर दांत आपको लग रहा है कि हिलने शुरू हो गए हैं स्केलिंग के बाद, इसका मतलब वो पहले भी हिल रहे थे और उनको टार्टर ने सपोर्ट कर रखा था। मेरी बात ध्यान से सुनिए,
हो सकता है आपको पायरिया हो जिसकी वजह से आपके दांत ढीले हो चुके हों, लेकिन इतना टार्टर उसमें बिल्डअप हो रखा है कि वो टार्टर जो है इट वॉज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि वो जो कैलकुलस और जो दंत पत्री थी वो जो है आपके दांतों को सपोर्ट करके रखी हुई थी। जैसे ही हमने टार्टर हटाया वो सपोर्ट चला गया और आपको लग रहा है कि आपके जो दांत हैं वो ढीले हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने जब भी कोई स्केलिंग की हो, अगर उन्होंने ठीक से की होगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दांत ढीले हो जाएं। दांत ढीले तभी होंगे जब आपको पायरिया की प्रॉब्लम होगी या आपको जिंजिवाइटिस बहुत एडवांस स्टेज जो अर्ली पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया वाली स्टेज होती है उसमें हो। टार्टर रिमूव करने के बाद अगर दांत थोड़े हिलते हैं दैट इज़ वेरी कॉमन। डीप क्लीनिंग के बाद मैं मान सकता हूँ कि थोड़े से दांत हिलते हैं, लेकिन वो भी 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपको जो फॉलो करना है वो है गम मसाज। गम मसाज पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जानते हैं कि गम मसाज करके आपके जो है मसूड़े स्वस्थ होंगे, टाइट होंगे, सपोर्ट अच्छा होगा और सूजन कम होगी। स्केलिंग कराने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ एटलीस्ट 1 दिन तक ऐसी नहीं खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रिंसिक स्टेन्स, यानी कि कोई भी ऐसा कलरिंग एजेंट ना हो जो आपके दांत पे इमीडिएटली चढ़ जाए। इसका मतलब क्या है बताने का कि आपके दांत की जब क्लीनिंग हो जाती है, स्पेशली स्केलिंग और पॉलिशिंग हो जाती है, तो आपके दांत की सरफेस एनर्जी ऐसी रहती है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसमें कलरिंग एजेंट ज़्यादा होगा तो वो कलर बहुत जल्दी आपके दांत में चढ़ जाएगा। उस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए ये मेक श्योर करना है कि आप अगले 24 आवर्स तक कुछ ऐसा ना खाएं जिसमें जो है कलरिंग एजेंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे भी कोई भी मटन या ग्रेवी या चिकन वाला कुछ भी ऐसा जिसमें ग्रेवी वाला जो पार्ट है या कलरिंग एजेंट बहुत ज़्यादा है उसको अवॉइड करिए खाना। स्केलिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक इंस्ट्रक्शन में बताता हूँ कि अपने जो है अगले दिन आप फॉलोअप में एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिए और इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने दिए हैं उसको अप टू द हिल्ट आप उनको फॉलो करिए और कोशिश करिए एक और नई प्रैक्टिस यूज़ करने का जिसको हम बोलते हैं फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग एक बहुत अंडररेटेड प्रैक्टिस है, हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए अपने स्केलिंग के बाद तो आप डेली फ्लॉस करना कोशिश करिए। मैं जानता हूँ बहुत टफ है, बहुत लोग खुद नहीं कर पाते हैं। अगर नॉर्मल फ्लॉसिंग नहीं हो पाती है तो वाटर फ्लॉस खरीद लीजिए, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। इस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एपिसोड बनाऊंगा कि वाटर फ्लॉस क्या होता है, मैं खुद यूज़ करता हूँ एंड इट हैज़ डन अ मार्वलस जॉब। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस जो स्केलिंग के बाद फॉलो करने हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करिए, और कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है आपके लिए अनबेरेबल हो या डिस्कम्फर्ट आपको कॉज कर रही हो इमीडिएटली आफ्टर स्केलिंग पोस्ट ऑप, और वो उन इंस्ट्रक्शंस या प्रिकॉशंस में नहीं है जो आपके डॉक्टर ने आपको बताए हैं, तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को कॉल करिए और उनको बताइए कि आपको क्या दुविधा हो रही है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो डेफिनेटली आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे एंड आपको उस चीज़ पर अमल करना है। तो आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में था कि स्केलिंग एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, उसके बाद जो सिम्टम्स है वो बहुत नेचुरल है, और जो स्केलिंग आपको करवानी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्केलिंग कराओगे तो आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, आपके दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप खा सकते हो, अगर आप खा सकते हो तो आपको पोषण अच्छा मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं दांत है तो आँत है, वैसे वाला सीन है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका जीवन बहुत सुखद बीतेगा। तो आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में था। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, पैंडेमिक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, सैनिटाइज करिए और हाथों को धोते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।